फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो मनाली की ट्रिप है वो आज काफ़ी टाइम के बाद फाइनल हो गई है। इसका बहुत बार पहले भी प्लान बनाया था कोविड के टाइम पे, उसके बाद एक दो बार और बनाया पर जा नहीं पाया, थोड़ा कैंसिल हो गया था। तो अभी बुकिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस आज निकलने की तैयारी है। मनाली तो अभी काफ़ी हद तक तो मैंने पैकिंग कर ली है, लेकिन रात को ना मेरे को इतना एक्साइटमेंट था कि यार अपन चलो जा रहे हैं, तो मैं ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा कि सुबह अपन जल्दी उठेंगे 5 बजे ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपन सोए 3 बजे और उठे फिर आराम से 8 बजे जैसा कि अपन रेगुलर उठते हैं। तो अभी उठे हुए हैं, फिर अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं सब पहले थोड़ी बहुत मेरी पैकिंग, फिर उसके बाद जस्ट थोड़ा ठंड लग रही है तो छत पे जाएंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। कपड़े वगैरह की पैकिंग तो हो गई है, एक चीज़ कहाँ गई यार, अरे ये तो भूल ही गया मैं, गिर गई इधर। ज्ञानी बाबा पतंग कहाँ है बता? या पतंग ही आई तो सही हुई, एबीसीडी में। हाँ तिरसुल हुई, एबीसीडी में पतंग ही आई तो सही, ये तिरसुल के लिखते हैं सो पतंग तो यही। हाँ सही बोली, सही आगे थराती ढूली है वो अभी पूरी, कॉपी ओपी सब गंदी कर ली तूने, कितनी जब से की चाय पी ले, काफी सारी खराब कर दी, गिरी तेरा आदित गिरी अभी गुट्टर में तो ले चुप हो जाओ, ढुल गई रहने दे। अरे यार नानी ओके गीली मत करो, उसमें चाय भी गिर गई थी कॉपी पे सिरों में, मैंने भी बोल दी 2-3 बार की पी ले ढुल जाएगी वो, होगा आती ढुल गई वो, ले उठा चुप हो जा, दूसरी पी लेना, ले चला जा, ले उठ जल्दी, बोले चाय ढुलवा दी और खुद ने तो ढोली चाय, हमने गिराई क्या चाय हमने आजा आजा आजा, कहाँ जा रही सनवी? हाँ सनवी कहाँ गई? डरा दिया मेरे को, इतनी आवाज़ से आ रही थी मैंने कि ये रूम में ही छुपी है, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी तो मैं देखने लग गया, डरा दिया अर्सन भी तूने सही में। ले चल चाय गिर गई तो कोई बात नहीं, पी लेना अभी, आजा मेरा बिट्टू। ये लगा तो एक बार, मस्त लगते हैं एक बार पहन तो, ठीक है ये सिर पे पहन तो अच्छे लगते हैं एक बार, सिंह नहीं ये वो नहीं है यार, वो कहाँ है तेरा? वो टांग दूंगा मैं, अरे हाँ टांग दूंगा रुक जा, बस अब उसे निकाल लो ये रहे तेरे हॉर्न सिंक, पेन तो जल्दी इधर देख सनवी, मैं तो नहीं लेना भाई खेल लेने दे। ऐसे रहने दे सीधा उसको, चलो
बता दे भाई लग जाएगी सारी पैकिंग तो हो गई। और जो एक व्लॉगर की सबसे मेन सबसे खास चीज़ होती है जिसके बिना व्लॉग बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो है अपनी ये ट्राइपॉड। ये है और एक अपन ने रखी है सेल्फ स्टिक। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कैमरा कहाँ है, तो कैमरा अपने पास नहीं है। अपन जितने भी वीडियोस डालते हैं सब फ़ोन से बनाते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। तो अभी ना मेरा एक फ्रेंड है उसके पास मैं जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत अपने को बेसिक सा हम एक कैमरा लेके जा रहे हैं जिससे हम अच्छी पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकें। तो उसके पास जाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत अपन बेसिक से बेसिक सा सीख के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अपन कैमरे से अभी तक एक फ़ोटो भी क्लिक नहीं की है। ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। तो कोई बात नहीं, आज वो दिन भी आ गया जब हम कैमरे की से अच्छे अच्छे तस्वीरें खींचेंगे और सीखेंगे। और क्या, ए, क्या कर रही आ जा इधर आ जा। तो अभी मैं आया हूँ मेरे दोस्त अंशुल के यहाँ। तो ये अपने को कैमरे के बेसिक फीचर बताएंगे जो अपना फ़ोटो वगैरह खींचने हैं। तो अभी कैमरे का बेसिक फीचर ISO अपन सीख रहे हैं। तो पूछते हैं अभी अपने दोस्त प्रिय मित्र से। भाई ये देखिए नीचे सेकंड लास्ट जो बटन है ना, हाँ, इसमें जाकर इसको ये वाला जो फर्स्ट रिंग दिया हुआ इसको रहना टेको टर्न करना, इससे ISO पता चल जाएगा तुझे। तो अपन ने बेसिक फीचर कैमरे के सीख लिए, ज्यादा कुछ अपने को आता नहीं है भाई, सीख जाएगा रे। हाँ तो ब्रो मिलते हैं फिर अपन ट्रिप के बाद, है ना। यो तो पैकिंग डन, तो अभी अपन निकलते हैं, लेट्स गो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में जो कि अपना स्टार्ट होगा रेलवे स्टेशन से। बाय।